मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? आशा रखती हूँ सब आप लोग भले चंगे होंगे। मैं सुप्रिया आप लोगों को स्वागत करती हूँ ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सुप्रिया में। तो फ्रेश, अभी सुबह का 8 बज गए, मैं चाय बिठा दिया थोड़ा। आज मुझे स्कूल जाना है फ्रेंड्स, बहुत भागा भागी में सब काम करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरे चाय और बिस्किट लेके आ गई सुबह सुबह माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि एंथू चाहिए। तो चाय में सही में थोड़ा सा माइंड तो फ्रेश होता ही है, सबको ही पता है। तो मैं अभी चाय पी लेती हूँ। आप लोगों ने चाय पी लिया क्या? नहीं पिया तो पी लीजिए फटाफट। फ्रेश आज सब्जी फ्रिज में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2-3 गाजर और कुछ खीरा है। तो उससे मैं क्या बनाऊँ? तो आलू है सिर्फ, एक पनीर का पैकेट है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा पनीर ही बना देती हूँ, सिंपल सा वही, और खाली चावल नहीं, दूसरा कुछ बनाती हूँ। सोचती हूँ क्या बनाना है। दूध ना फ्रेंड्स, आज पूरा बर्फ जम गया, फ्रीज के अंदर था, डीप फ्रीज में। अभी मेरे टाइम में ही है तो ये वाला ही अभी निकल रही हूँ। दूध जब पिटाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पानी और ऐसा इतना ही चीनी का दाना भी दे देती हूँ। एक पनीर का पैकेट भी लेके आई, पनीर भी बनाना है आज। पनीर काटना हो गया। पनीर में डालने के लिए मैंने इधर 2 आलू लिया, तो 2 आलू को मैं पहले छील लेती हूँ। आलू के ऊपर कैसा हो गया, ऐसा हो जाता है ना फ्रेंड्स। मैं अभी आलू को भी पीस कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा पीस नहीं करूँगी, क्योंकि पनीर भी ज़्यादा बड़ा पीस नहीं है, मीडियम रखूँगी ऐसा। फ्रेंड्स इधर मैंने 3 प्याज लिया पनीर में डालने के लिए, और लिया छोटा छोटा सब टमाटर। तो पहले प्याज काट लेती हूँ। तीनों प्याज को मैं पहले धुल के लेके आती हूँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में छोटा छोटा पीस में करके मिक्सी में डाल दूंगी। ज़्यादा छोटा छोटा पीस नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो मिक्सी में डालना है, ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं टमाटर तो कैसे हो गया, फिलहाल मेरे पास इतना ही अभी टमाटर है, इसे ही अभी काम चलाना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ, फिर एक ही साथ मिक्सी में डालूंगी। इसको भी मैं ज़्यादा पीस पीस नहीं करूँगी, क्योंकि इसको भी पेस्ट ही करना है। तो मैं एक ही साथ में मिक्सी के अंदर डाल रही हूँ टमाटर और प्याज। तो अभी मैं प्याज और टमाटर पेस्ट कर लेती हूँ। दूध भी गर्म हो गया फ्रेंड्स, लेकिन दूध गर्म होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि पूरा बर्फ जमा था ना इसकी वजह से। और इधर पेस्ट भी बहुत अच्छा करके हो गया। पनीर बनाने के लिए कढ़ाई बिठा दिया, कढ़ाई गर्म हो गया, अभी तेल डाल रही हूँ। अभी डाल रही हूँ जीरा, 1 तेजपत्ता, टमाटर और प्याज का पेस्ट। फिर इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, सॉस, बटर पनीर मसाला। अभी मैं वेट करूँगी फ्रेंड्स जब तक तेल मसाला से बाहर ना आए।
मैं इसके अंदर डालूंगी कटा हुआ आलू, एक ग्लास पानी, फ्रेंड्स आज पनीर के साथ मन कर रहा था पुलाव बनाने के लिए, तो अभी मैं एक पुलाव का चावल ले रही हूँ, एकदम छोटा छोटा साइज का चावल है, डेली चावल हम जो यूज़ करते हैं वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला पुलाव का चावल है सिर्फ। ये है चावल लेने का डब्बा मेरा, पुलाव के लिए मैंने चावल ले लिया, इसको अच्छा करके धुल के फिर मैं बिठाऊंगी। चावल को बहुत अच्छा करके पहले मैं धुल लूंगी। चावल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए मैं दूसरा प्लेट में चावल रख रही हूँ धुला हुआ। कुकर में मैं पुलाव बनाऊंगी, पुलाव के लिए मुझे चाहिए एक बड़ा चम्मच घी, थोड़ा सा सादा तेल, को पहले मैं गरम करने के लिए रखूंगी। अभी फिर इसके अंदर डालूंगी तेज पत्ता, दालचीनी, इलाच, लौंग। हुआ चावल, इसको बोलते हैं गोविंद भोग चावल फ्रेंड्स। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, आप सब शक्कर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ज़्यादा नहीं, तो टेस्ट और भी अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इतना चावल लिया उसका डबल मैं पानी लूँगी, लेकिन फ्रेंड्स गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। ये देखिए मैंने इसमें गर्म पानी बिठाया था। ये चावल के लिए फ्रेंड्स सिर्फ एक ही सीटी चाहिए। फ्रेंड्स अभी मैं डाल रही हूँ कटा हुआ पनीर, मैं थोड़ा पतला पतला ही रखूँगी फ्रेंड्स झोल टाइप का, क्योंकि पुलाव बनाई हूँ ना, तो थोड़ा सा तो झोल हम लोगों को चाहिए इसकी वजह से। और डालूंगी कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता, ज़्यादा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सीटी में ही पुलाव बन के पूरा रेडी हो गया। इधर साइड में है पनीर, तो पुलाव और पनीर की सब्जी आज मैंने बनाई। तो फ्रेंड्स आज मैं सिंपल सा बनाई पुलाव और पनीर की सब्जी, वो भी दोनों ही सिंपल सा। ये देखिए तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। आज फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।